Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for SNAP 2022 exam, because in this video, I'm going to discuss one actual time in work question asked in last year SNAP slot one. So guys, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन से आपको काफी कुछ सीखने मिलने वाला है, बिकॉज इस टाइप का कोई और क्वेश्चन अगर आ गया किसी भी एग्जाम में तो आपकी काफी हेल्प हो. जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोग हेल्प हो जाएगी. सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोज बन रहे हैं, बी एट स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बी एट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बी एट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. गाइज लास्ट एक महीने में कम से कम मैंने 25 से 30 स्नैप बेस्ड कंटेंट बेस्ड वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप ये चैनल को जरूर चेक करना, आपको काफी कंटेंट मिलने वाला है. चलो गाइज स्टार्ट कर लेते हैं. गाइज हम लोग का स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, क्वेश्चन पोस्ट होते रहते हैं. कम से कम 5,000 का मेंबर्स का ग्रुप है. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्री स्नैप मॉक, रेलेवेंट मॉक, देन यू कैन चेक आउट द मॉक. ठीक है, mockzone.in/snap पे. चलो गाइज क्वेश्चन देखते हैं. एक्स पीपल कैन डू द जॉब इन 5 डेज. स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड डे थ्री पीपल वर फायर्ड एवरी ऑल्टरनेट डे. स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड डे टू पीपल वर हायर्ड एवरी ऑल्टरनेट डे एंड द वर्क वॉज डन इन 7 डेज. फाइंड एक्स. तो गाइस क्या हो रहा है, एक्स पीपल अगर करते हैं तो काम करते हैं 5 डेज में, और अगर सेकंड डे से स्टार्ट करें, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड डे, ठीक है, थ्री पीपल वर फायर्ड, मतलब सेकंड डे, फोर्थ डे, सिक्स डे, एवरी ऑल्टरनेट डे तीन लोग फायर हो रहे हैं, ठीक है, और स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड डे दो लोग हायर हो रहे हैं, मतलब थर्ड डे, फिफ्थ डे, सेवंथ डे, नाइन्थ डे ऐसे. तो गैस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्स सिबल की, एक्स सिबल काम कर रहे हैं 5 डेज में, तो टोटल क्या हो रहा है, एक्स इंटू फाइव, ठीक है, यही बराबर किसके होगा. अब अगर फर्स्ट डे की बात करूँ, डे वन की, एक दिन में कितना काम होगा, एक्स सिबल है, एक दिन के लिए काम करेंगे, एक्स इंटू वन काम होगा, इसको एक्स ही ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हर दिन एक एक दिन का ही काम होगा, ठीक है. प्लस अब देखो गैस यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, एट्थ, इसमें आपका तीन लोग फायर हो रहे हैं, ठीक है, -3 हो रहा है, ठीक है. एंड आपका जो थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, यहाँ पे हायरिंग हो रही है, +2. सेकंड डे में क्या हो जाएगा, क्योंकि तीन लोग फायर हो रहे हैं तो एक्स -3 हो जाएगा, एक्स -3 इंटू वन, तो वन लिखेंगे नहीं, कोई जरूरत नहीं उसकी. अब थर्ड डे में क्या होगा, थर्ड डे में दो लोग हायर होंगे, तो पहले एक्स -3 थे लास्ट, अब दो लोग हायर हो जाएंगे, एक्स -3 फिर आ जाएगा. फोर्थ डे में क्या हो जाएगा, फोर्थ डे में फिर तीन लोग फायर होंगे, इवन है ना, फिर हो गया आपका एक्स -4. हम लोग को जाना कहाँ था, हम लोग को 7 डे तक जाना है, 1 2 3 4, ठीक है. अब आता है गाइस फिफ्थ डे, फिफ्थ डे क्या होगा, फिफ्थ डे में फिर हायरिंग होगी, दो लोग, एक्स -2 अगेन आ गया, -4 में ऐड हुआ ना, ठीक है. सिक्स डे में क्या हो जाएगा, सिक्स डे में तीन लोग फिर फायर होंगे, फिर एक्स -5 हो गए, -2 -3 है ना. अब लास्ट सेवन डे बचा, सेवन डे में दो लोग ही हायरिंग हो जाएगी, एक्स -3 हुआ. यहाँ पे गैस हमने सब में इंटू वन नहीं किया है, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, ये बन क्या रहा है, ये बन रहा है आपका मैन इंटू डेज. आपका मैन इंटू डेज यहाँ पे था, दिस मैन इंटू डेज इज इक्वल टू एडिटिव्स ऑफ ऑल द मैन इंटू डेज. ये मैन इंटू डेज, ये मैन इंटू डेज, बट डे क्योंकि वन है तो हम वन को लिख नहीं रहे हैं. जैसे मैन एक्स है, वन डे है, फिर आपके एक्स -3 मैन है, फिर वन डे है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट वन लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, बिकॉज वन से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करो सेम ही आएगा. ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लिख क्या रहे हैं. यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये मैन डेज का ही क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है. अब इसको अगर आप सॉल्व करो, 5x² क्या हो जाएगा, कितने एक्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7x होंगे ना, 7 डेज में. और ये क्या आ रहा है, -3 -1 -4 -8 -10 -15 -18, ये आ गया आपका, बस सॉल्व कर लो दोनों को, 2x = 18, एक्स आ गया नहीं, बस सिंपल सी बात है. तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं देखेंगे जहाँ पे एक ओवरऑल आपको दिया रहेगा, आपको उनके एडिटिव्स को इक्वेट करना होगा, ठीक है. तो एक एक दिन काम हो रहा है तो वन वन डे लेंगे ना, तो वन वन को दिखेगा नहीं, ठीक है. अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये, देखो मैं नहीं मान सकता कि ये क्वेश्चन स्नैप लेवल का होना चाहिए, क्योंकि स्नैप इतना टफ नहीं होता था. अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, नो डाउट करने में ईजी लग रहा है, बट स्टिल स्नैप में इतना इतने इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, इस वजह से क्वेश्चन टफ है यार, ठीक है, क्योंकि बात खाली डिफिकल्टी हो गई, बात है टाइम की, क्या आपको टाइम कितना मिल रहा है, ठीक है, आपको 60 मिनट्स मिलना है 60 क्वेश्चंस करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पर टाइमर चलता है, प्रेशर होता है, तो वो चीज़ है. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस ये है कि अब लास्ट ईयर टफ आ गया थोड़ा, स्लॉट वन के कुछ क्वेश्चन टफ आ गए थे, बट ये है कि कुछ क्वेश्चन के चक्कर में अपना पूरा एग्जाम खराब नहीं करना है, क्योंकि अगर 7-8 क्वेश्चन टफ आए भी थे तो 13 क्वेश्चन ईजी भी आए थे, नॉर्मल आए थे, मतलब तो मैनेज करा जा सकता था, ठीक है. बट ये कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, वैरायटी कवर्ड होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो वो चीज़ आप, क्योंकि सारे एग्जाम्स का, सारे कॉलेजेस का पैकेज बढ़ रहा है, सबका 24-25 लाख एवरेज पैकेज है, एस आई बी एम पुणे क्लोज टू ओल्ड टाइम्स है, तो डेफिनेटली उन लोगों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा चेंज,
और दूसरी बात कंपटीशन भी काफी बढ़ रहा है, बिकॉज बच्चे काफी स्मार्ट हो रहे हैं, ये चीज है, सब लोग पहले सब काफी कुछ पढ़ के जा रहे हैं, तो आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, खाली नॉर्मल बेसिक से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सो गाइस इफ एनीवन इज लुकिंग फॉर स्ट्रक्चर प्रिपरेशन, उन्होंने स्नैप का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। क्रैश कोर्स में क्या है, हम लोग की जितनी भी डिटेल्ड में लाइव क्लास हुई थी जून से लेकर अक्टूबर तक, उसमें से हमने 40 क्लासेस यहाँ पे आपको दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, क्रिटिकल रीजनिंग, क्लॉक सेल्डर्स के पूरे पूरे लेक्चर्स हैं, मतलब पीएनसी प्रोबेबिलिटी के अराउंड 14-15 लेक्चर है, यहाँ पे आपका क्विक रिविजन हो जाएगा। देन 300 मोस्ट रिपीटेड शॉर्टकट्स, जो कॉन्ट्स तो काफी पूछे आते हैं मेनली अल्जेब्रा एंड मैथमेटिक्स से, जो रिपीटेड टाइप के हैं, वो उसमें है 13 वीडियोस में, प्लस सारे नॉन टेट एग्जाम्स के 400 बेस्ट पीवाईक्यूज कोलेटेड हैं, वीडियो सॉल्यूशंस। गाइस ये आपको एग्जाम में देख भी सकते हैं कुछ क्वेश्चन इससे, ठीक है। 400 क्वेश्चन है, अराउंड 41 वीडियोस है, ठीक है, प्लस 15 प्लस लाइव जूम एंड व्हाट्सएप सेशंस। लाइव सेशन लगातार गाइस चल रहे हैं, 15 में लिखा है, ज्यादा ही हो जाएगा ये, क्योंकि हम लोग और प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, ग्रामर की, क्लोज टेस्ट की और जितनी भी चीजें सबकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो व्हाट्सएप सेशन भी होते हैं, सिस्टम बनती है, जूम सेशन भी होते हैं, इन सबकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है पोर्टल पे आपके, प्लस 15 फुल इनबॉक्स है। तो गाइस ये क्रैश कोर्स इसलिए डिजाइन किया गया है, काफी लोग क्योंकि जॉब करते हैं, काफी लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो फुल कोर्स पूरा देख नहीं पाएंगे, टाइम नहीं इतना, ठीक है। तो उस वजह से डिजाइन किया गया, इसकी कॉस्ट 1,999 है, एक्सट्रीमली रिलेवेंट कोर्स है और एक्सट्रीमली डिटेल्ड कोर्स है, जैसा बोला जा रहा है पूरा वैसे करके जाओगे, अच्छे से आप कवर करके जाओगे तो बहुत फायदा होने वाला है आपसे, ठीक है, क्योंकि वैरायटी मिलेगी आपको यहाँ पे, वैरायटी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं गाइस कि एग्जाम में आप जाओ तो आपको ऐसा ना लगे कि कोई क्वेश्चन आपको नया लगे, नया नहीं लगना चाहिए कोई क्वेश्चन, सब क्वेश्चन कभी ना कभी देखे हुए होने चाहिए, तभी एग्जाम में हाथ चलेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जिनके पास टाइम है, बाकी आप देख सकते हो रिव्यूज यहाँ पे, गाइस लोगों ने करा अच्छे से, आपको देखो बहुत सारे रिव्यूज अपने पास है, ठीक है, फुल कोर्स वाले। यहाँ पे दिस गाय परचेज क्रैश कोर्स, फिर उसको क्रैश कोर्स अच्छा लगा, देन ही वेंट फॉर द फुल कोर्स, ठीक है। तो आप ये आराम से पॉजिटिव देख सकते हो रिव्यूज। बाकी फुल कोर्स और क्रैश कोर्स में डिफरेंस ये है, फुल कोर्स मेरा 3,000 का है विद स्नैप बॉक्स, 1,000 का डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्यों है, क्योंकि हम लोग आपको सारी लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स दे रहे हैं, पॉइंट्स अलार्म दिए, डिटेल में सारी लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स, जूम से अक्टूबर जो क्लास की थी, यहाँ पे 40 दे रहे हैं, वहाँ पूरी दे रहे हैं, वो डिफरेंस है। और ये कोर्स में क्या है कि अगर आपके पास टाइम है, आप जॉब नहीं करते हो, तो आप 1 महीने में आराम से कवर कर सकते हो, 18 तारीख को भी एग्जाम अभी, क्योंकि वैरायटी कवर हो जाएगी इसमें, और एक बार आपने चैप्टर बाई चैप्टर सब कुछ पढ़ लिया गया तो आपका पी वाई क्यू और शॉर्टकट अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो जिनके पास टाइम है वो देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा नहीं है कि स्नैप के बाद आप सीमेंट के लिए क्या करोगे, सीमेंट में आप अपग्रेड करा सकते हो उस कोर्स, सीमेंट देना है आपको, सीईटी देना है, टेस्ट देना है, इसी कोर्स को आप अपग्रेड करा सकते हो, डिफरेंस अमाउंट या कुछ पैसे दे के, कुछ अमाउंट दे के, सॉरी, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसा नहीं है कि खाली स्नैप तक की वैलिड है, मतलब इसको आप यूज कर सकते हो, बाकी स्टिल काफी रेलिवेंट है अगर आप ढंग से पढ़ना चाहते हो, ठीक है। ये इसका शेड्यूल देंगे पूरा आपको, कैसे आपको कैसे कैसे कवर करना है, ये लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स है फुल कोर्स की, आपको बस इनको खत्म करना है जल्दी जल्दी, कुछ क्लासेस आप 1.5x में देखोगे, कुछ आप 1x में देखोगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा डेट आपको, बाकी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रॉपर कंटेंट अगर है तो अभी भी चांस है होने का, ठीक है। बाकी फुल लेंथ मॉक्स 15 स्नैप के मॉक्स है, फुल लेंथ रेलिवेंट एंड क्लोजेस्ट 999 के, एंड एनमैट के मॉक्स 799 के, ठीक है। ये कुछ और रिव्यूज आप देख सकते हो आराम से पॉज करके, ठीक है गाइस। डेली रिव्यूज आते रहते हैं, मॉक्स हो चाहे कोर्स हो, ठीक है। लास्ट ईयर के कुछ रिव्यूज हैं, रिजल्ट्स, ठीक है, ये देख सकते हो आप। इसमें कुछ लोग मॉक्स वाले नहीं है, बट काफी लोग, मैक्सिमम लोग इसमें कोर्स वाले हैं, ठीक है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, या नंबर यू कैन इंक्वायर एट दिस नंबर, कोई भी आपको इंक्वायरी करनी हो। बाकी गाइस हम लोग का सीमैट एंड सीईटी का एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है अराउंड 8th ऑफ डिसंबर से, 8th या 10th दिसंबर से, और अभी भी हम लोग का सीमैट बैच चल रहा है, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है 8 दिसंबर का, अभी आप ज्वाइन करके यहाँ पे एनरोल कर सकते हो, फिर बाद में आप वहाँ शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। तो इंक्वायर करना तो कर सकते हो, बाकी SRCC टेस्ट वगैरह के भी कोर्सेज चल रहे हैं, ये मॉक्स स्लैश स्नैप में जा सकते हो, मॉक्स एंड क्रैश कोर्स के लिए। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।